एनएक्सी के सामने महिला ने किया हंगामा। बीच सड़क पर बैठ महिला ने किया हंगामा। महिला ने एनएक्सी में तैनात सुनील कुमार पांडे और बेटी सिद्धार्थ पांडे पर लगाया आरोप। एनएक्सी स्वास्थ्य विभाग में तैनात हैं सुनील कुमार पांडे। महिला का आरोप, एक साल पहले सुनील कुमार पांडे ने अपने लड़के के साथ की थी युवती से की शादी। महिला का आरोप, दहेज के चक्कर में झूठ बोलकर अपने पागल लड़के से करवाई शादी। मनमांगी दहेज लेने के चक्कर में लड़के को बताया मेडिकल स्टोर संचालक। पीड़ित महिला की बहन का आरोप, दहेज में 5 लाख रुपए और दहेज के सामान दिए गए। महिला ने पुलिस पर लगाया आरोप। आरा थाने में दर्ज है मुकदमा पर पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। कार्रवाई ना होने के कारण महिला ने एनएक्सी के सामने बैठकर मांगा इंसाफ। कुमार पांडे एनएक्सी भवन में सात विवाद में है, वो झूठ बोल के उनका लड़का पागल है, झूठ बोल के शादी कर लिए और अब पैसे देने के और सामान देने के चक्कर में नहीं है, सब झूठ बोल एनएक्सी के अधिकारी कह रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा है। ये मेरी छोटी बहन है, उसकी जो है पिछली बार दिसंबर में 2020 में शादी हुई थी और इनका सुनील कुमार पांडे स्वास्थ्य विभाग में एनएक्सी भवन में है और उन्होंने जो है पागल उनका लड़का था बताया नहीं, शादी कर लिए 5 लाख रुपए और जो है उन्होंने सारी चीज ब्रांडेड और बड़ी ली है और ऊपर से बहुत सारे जेवर भी लिया इन्होंने, इनकी वाइफ के पास सारे रखे हुए हैं और ये हमें यहाँ इनके ऑफिस के बाहर आए तो इन्होंने जो इनके अधिकारी कह रहे हैं कि इनके नाम कंप्लेन कर दो, हम तो इनको यही कहने आए कि हमारा सामान वापस कर दो, हम लोगों को फुर्सत मिल जाए। एक लड़की की जिंदगी खराब होती है, पागल लड़के की जिंदगी नहीं खराब हो रही है। क्या किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? अभी जो इनके अधिकारी है वो कह रहे हैं इनके नाम FIR दर्ज कर दो। हम लोग कुछ कह रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपनी चीजें लेने आए हैं। खिलाफ करिए।